दिस इज मी दीपिका साहू एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के लेसन वन, फर्स्ट फ्लाइट के लेसन वन, लेटर टू गॉड की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंजो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गॉड, डिड ही रिसीव एंड व्हाई। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि वो गॉड से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, किस चीज की मांग कर रहा था, है ना, और आशा कर रहा था, और उसे क्या मिला और क्यों। स्टार्ट करें आंसर। चलिए आंसर दिया गया है, लेंचो एक्सपेक्टेड गॉड टू सेंड हिम द 100 पीसोस ही आस्क्ड फॉर। सो गाइस, वो लेंचो जो है भगवान से 100 पीसोस की लाइक एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको 100 पीसोस मिले। हाउएवर ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, और उसे मिले कितने, सिर्फ 70 पीसोस, विच हैड बीन कलेक्टेड बाय द पोस्ट मास्टर थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। और क्यों मिला, क्योंकि उसे किसने कलेक्ट किया था गाइस, जो किसके द्वारा कलेक्ट हुए थे, पोस्ट मास्टर, और मतलब पोस्ट मास्टर के द्वारा जो मतलब उसने धनराशि कॉन्ट्रीब्यूट करी थी, इकट्ठा की थी उसके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज द्वारा, उसके द्वारा, ठीक है, तो इसलिए मिली, नहीं तो वो भी नहीं मिलती। समझ में आया, पहले इसका आंसर है, फिर इसका है, और फिर इसका है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। आपको बताना है कि पोस्ट ऑफिस की क्वालिटीज क्या होती है, पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी क्वालिटीज क्या क्या होती है। सो चलिए, लेट्स बिगिन द आंसर। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेड द पीपल हु बिलीव्ड इन द हेल्पिंग अदर, दे वर काइंड एंड हेल्पफुल। देखिए, बताया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे ना, उनने रिप्रेजेंट किया कि पीपल को मतलब कैसे एक दूसरे पर विश्वास दिलाएं, कैसे एक दूसरे की मदद करें। वो बहुत काइंड थे, बहुत दयालु थे, बहुत ही हेल्पफुल, मतलब बहुत ही मददगार लोग थे। दी कोऑपरेटेड विथ ईच अदर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू देअर बेस्ट ऑफ द capability just to keep Lancho's faith in God alive. They had love, concern, compassion and empathy for Lancho. देखिए गाइस, आपको बताया गया है इसमें कि उन लोगों ने क्या किया, उन्हें कॉपरेट करके जितना उनसे कॉन्ट्रीब्यूट हो सकता था, जितना उनसे इकट्ठा हो सकता था, उन्होंने इतना इकट्ठा पैसा किया, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, जिससे लेंचो का विश्वास कम ना हो, आजीवन लेंचो भगवान पर विश्वास करता रहे, ना, ठीक है। उन्हें प्यार, अपनापन, और आप बोल सकते हैं सराहना, सब चीजें और सहानुभूति लेंचो के प्रति दिखाई, लेकिन लेंचो तो उन्हें फिर भी क्रूर समझ रहा था। Why would you not agree with Lancho calling them a bunch of crooks? देखिए, मैंने कहा ना कि आप क्यों एग्री नहीं है कि उस लेंचो ने उनको अ बंच ऑफ क्रूक बोला। सो लेंचो वाज नॉट एट ऑल जस्टिफाइज इन कॉलिंग देम अ लेंच सॉरी अ बंच ऑफ क्रूक, बिकॉज दे हेल्प्ड हिम बाय कलेक्टिंग मनी एंड अंडरस्टैंडिंग लेंचोस अनसेकेबल फेथ इन गॉड। ईच वन ऑफ देम पार्टेड विद सम मनी फॉर द एक्ट चैरिटी व्हिच अ बंच ऑफ क्रूक वुड नेवर डू। गाइस, आप बताया जा रहा है कि जो लेंचो था वो जस्टिफाइड नहीं था, वो चीज से संतुष्ट नहीं था उनसे ये बोल के, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि अ बंच ऑफ क्रूक, मतलब इसलिए उसने बोला था कि ये लोग कैसे हैं, लालची हैं, है ना, इस टाइप से उसने बोला था। क्यों बोला था, बिकॉज आप इस चीज से क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, जो उसने कहा उससे आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक चैरिटी के रूप पर, एक दान के रूप में उन्हें पैसा इकट्ठा किया, और सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं थोड़े से ही मनी के लिए, लेकिन उसमें पार्ट था, उसमें मतलब जुड़ा था, है ना, और जो कभी भी एक बंच ऑफ क्रूक नहीं कर सकता है। क्या लालची व्यक्ति किसी को पैसा दे सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है बिना कहे, बिल्कुल नहीं।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर करिएगा। ओके, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। सो गाइस, इसमें बोला गया है कि लेंचो जो था वो गुस्सा क्यों था वो लेटर को प्राप्त करके। सो व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर ही ओपन द एनवेलप एंड ही एट वंस बिकम एंग्री ऑन काउंटिंग द अमाउंट इन इट। There were only 70 pesos in the envelope whereas he had asked for 100. So guys, इसमें इसलिए बताया गया है कि लेंचो जैसे उसने लेटर प्राप्त किया वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, जैसे उसने लिफाफे को उस संदेश को उस पत्र को खोला और उसमें से गुस्सा आ रहा था। और क्योंकि उसने बोला था 100 मतलब 100 रुपए का बोला था और उसमें 70 pesos था। गाइस आगे दिया गया है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो और व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू कीप द फेथ ऑफ लेंचो। सो गाइस इसमें ये बोला गया है कि जो पोस्ट मास्टर था, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प की और कैसे उसे मतलब क्या किया जिससे वो उसका फेथ जो है भगवान पर कम ना हो और मतलब फेथ जो है उसने मतलब बना रहे उसका फेथ, ठीक है, वो हमेशा रहे। सो गाइस दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो ये पूछ सकते हैं कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू कीप द फेथ ऑफ लेंचो। दोनों चीज पूछी जा सकती है गाइस। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ ऑल्सो contributed his share and sent the money order to Lancho in God's name to keep his faith. देखिए क्या बोला गया है, जो पोस्ट मास्टर था उसने पैसा इकट्ठा किया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज द्वारा एंड उसने खुद भी अपना कॉन्ट्रीब्यूट डाला, उसकी जो सैलरी आती है उसका 50% उसमें डाल दिया था एंड मनी ऑर्डर के थ्रू लेंचो को शेयर किया गॉड्स के नेम से, भगवान के नाम वहां पर लिखकर, ताकि जो है इसलिए, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। क्या बोला गया है कि लेंचो का मतलब जो घर था वो कहाँ पर था एंड वाई डिड ही सिट सीइंग द स्टार एंड वाई वो बैठ कर स्काई को देख रहा था गाइस। तो लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल इन द वैली, द होल डे ही सैट सीइंग द स्काई बिकॉज ही न्यू दैट हिज फ्रेंड नीडेड डाउनपोर और एट लीस्ट अशोर एंड ही वाज वेटिंग टू सी द साइन ऑफ रेन। गाइस ये बोला गया है कि लेंचो का हाउस जो था वो लो हिल के मतलब वो जो वैली थी वो घाटी थी उसके लो हिल पे कहाँ था, क्रेस्ट पे था, शिखर पे था और पूरे दिन वो बैठकर सिर्फ स्काई को देख रहा था, आसमान को देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी जमीन को उसकी जगह को एक छोटी सी बरसात मतलब एक छोटा सा फव्वारे की जरूरत थी, है ना, एंड इसीलिए वो बैठकर मतलब बारिश के आप कह सकते हैं कि निशान की सोच रहा था कि यार नहीं बारिश हो जाए, ठीक है। सो गाइस इसका पार्ट टू देखना ना भूलें क्योंकि इसमें कवर करना सारे क्वेश्चंस आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने इसका पार्ट टू बनाया है जो कि इसी टाइम पर मैं अपलोड करने वाली हूँ और सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं बता रही हूँ उससे आउट ऑफ आपके पेपर में नहीं आएंगे, तो क्वार्टरली एग्जाम की तैयारी आप यहीं से कर लीजिए। इसके अलावा आपको कोई से भी क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगैन।